नमस्कार, द रूस्टर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। एक इंसान जिसके बारे में शायद हिंदुस्तान भूल चुका था, यानी कि 13,000 करोड़ रुपए लेके जो इंसान भागा है हिंदुस्तान से, छोटा मोदी जिसको कहा जाता है, उसका नाम है नीरव मोदी। वो दोबारा से चर्चा में आ चुके हैं जनाब। क्या किया इन्होंने इस बार? इस बार इन्होंने 4 दफ़ा ऐसे पासपोर्ट के साथ विदेश यात्राएं करी हैं जिस पासपोर्ट को भारत ने स्थगित कर दिया था मार्च के महीने में, यानी 2018 के मार्च के महीने में। जनाब 4 दफ़ा विदेश यात्रा घूम चुके हैं, अभी भी घूम रहे हैं। कहाँ कहाँ, कौन से पासपोर्ट से, ये हम आपको बताते हैं। इन जनाब के पास एक और पासपोर्ट है जो है सिंगापुर का पासपोर्ट। इस पासपोर्ट के ज़रिए ये जो है 143 देशों की यात्रा कर सकते हैं। और इस पासपोर्ट का एक और फ़ायदा ये है कि सिंगापुर का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो लंदन में, यानी पूरे यूके में 6 महीने तक बिना किसी वीसा के रह सकते हैं। एक बार 6 महीने जब गुजर जाए तो उसके बाद बाहर आके दोबारा से अंदर जाना पड़ता है और दोबारा से 6 महीने के लिए रिन्यूअल हो जाता है। आखिर हर वो इंसान जो भारत के बैंकों को लूट के बाहर जाता है, वो यूके क्यों भाग रहा है? अब इसकी जो पोल है हम आपको खोलते हैं। यूके में दुनिया भर के जो बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, खुली हुई हैं, इन जैसे लोगों को वहाँ पे आश्रय दिलाने के लिए। यानी आप अगर बैंक लूट लेते हैं हिंदुस्तान से, आप यूके भाग जाए, वहाँ पे बहुत सारी तमाम एडवोकेट या फिर लॉ फर्म्स खुली हुई हैं जो आपकी मदद करती हैं। क्या हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरकार इतनी कमज़ोर है कि इतने तमाम लोग जो यहाँ से फ्रॉड करके बाहर जाते हैं, उनको लाने का कोई भी तरीका नहीं है आपके पास? नीरव मोदी की बात कहें या फिर उनके जो मामाश्री हैं चोकसी साहब, उनकी बात करें, या फिर एक और जो मोदी हैं, मोदी नंबर 2, ठीक है, जो IPL के घोटाले के बाद बाहर भागे हैं, उनकी बात करें, या फिर वो शराब व्यापारी जिनको विजय माल्या कहा जाता है, उनकी बात करें। तमाम लोग अय्याशी कर रहे हैं वहाँ पे, खुलेआम हिंदुस्तान की आंखों के सामने आंखों से आंखें मिला के चुनौती दे रहे हैं कि अगर आप हमको पकड़ सके तो पकड़ के दिखाएं। मोदी साहब ने ये कहा था एक दफ़ा कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। तो जनाब मोदी साहब, आप ये बताइए, ये जो तमाम लोग हैं इनको आप कब लेके आने वाले हैं भारत में? अब मैं आपको एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ एक चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपकी आंखें खोल देगा। देखिए, एक आंकड़े के अनुसार अगर आप देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2015 से लेके 2017 तक की रिपोर्ट है ये। 2015 से 2017 तक स्टेट बैंक, सिर्फ स्टेट बैंक में 1538 केसेस बने हैं इसी तरह के फ्रॉड के, जिसमें जो शामिल हुए हैं लोग वो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं और उन लोगों ने इसी तरह से लोन बांटे जो कि वापस आज तक नहीं आए। इसके बाद दूसरा नंबर आता है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का, जो है 439 केसेस के साथ। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 406 केसेस, यूनियन बैंक 214, उसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक 184 अंकों के साथ। यानी कुल मिला के 2084 केसेस बनते हैं सिर्फ 2015 से लेके 2017 तक। कितना पैसा गया ये भी आपको हम बताते हैं, 86,000 करोड़ रुपए इस तरह से लूटे गए हैं हिंदुस्तान से। और ये तमाम लोग या तो इन्होंने देने से इनकार कर दिया या फिर यहाँ से ये भाग चुके हैं। और ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, इनकी भी कुछ हालत अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी 17,504 करोड़ रुपये का घोटाला हो चुका है। मोदी सरकार से ये गुजारिश है, जो आपके छुटमुट कुछ दोस्त हैं जिनको आपने या फिर आपकी सरकार ने मदद पहुंचाई है, इससे पहले भी जो कांग्रेसियों ने मदद पहुंचाई है, कृपया करके इन पर लगाम कसें। चाहे वो कांग्रेसियों ने करा हो या फिर BJP के लोगों ने करा हो, हम इस पर सवालिया निशान नहीं लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश का पैसा चंद लोग ऐसे कैसे लूट के चले जाते हैं और हमारी ही सरकार को आंखों में आंखें डाल के चुनौती देते हैं कि अगर आपकी हिम्मत हो तो पकड़ लें। देखिए, नाक के नीचे, यानी भारत सरकार की नाक के नीचे तमाम लोग जो हैं हिंदुस्तान से बाहर निकल लिए हैं और आज तक वापस आए नहीं हैं। दाऊद इब्राहिम हुआ, छोटा राजन हुआ, या फिर ये तमाम ऐसे लोग थे जिनको बड़ी मुश्किलों से या तो हिंदुस्तान लाया गया या फिर वो आए ही नहीं। आज तक जो है दाऊद इब्राहिम कहाँ कहाँ घूमता है, कहाँ कहाँ पार्टियाँ मनाता है, ये तमाम चीज़ें भारत के पास रहती हैं, लेकिन हम जो है उसकी गिरेबान पकड़ के खींच के ला नहीं सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नीरव मोदी, यानी छोटा मोदी, ठीक है, जो कि बड़े
ऐशो आराम से बड़े आराम से यहाँ से गए, 13,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक से लेके चले गए हैं। इसके फौरन बाद इनके मामाश्री चले गए, यानी मेहुल चौकसी, जिसको हमारे प्रधानमंत्री अपना दोस्त बोलते हैं, भाई बोलते हैं, लाउस लेके जाते हैं, लोग को तस्वीरें खिंचाते हैं, लेकिन जब ऐसी जो चीज़ें आती हैं इसमें ये जवाब नहीं देते हैं। आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीरव मोदी के या फिर मेहुल चौकसी के या फिर विजय माल्या या फिर ललित मोदी के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया है। इन तमाम 6 महीने या फिर साल 2 साल में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है कि इनको भारत लाया जा सके। ये जो पैसा है ये हमारा पैसा है, इसमें हमारा हक है। तो हमारा ये सवाल है, प्रधान सेवक जी, आप कब तक चुप रहेंगे? इन तमाम घोटालों की, यानी जितने भी लोग बाहर गए हैं तब बाहर गए हैं जब इनके खिलाफ नोटिस जारी हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि ये चले गए उसके बाद आप लोगों ने ढूंढना शुरू किया। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ नोटिस जारी हो चुके थे और उसके बाद ये लोग यहाँ से गए। हमारा सिर्फ एक ये कहना है, जो हमारे पैसे हैं, जो लोग ये लोग बाहर लेके गए हैं और इतनी आराम से ये लोग अपनी अय्याशी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, ये हमारे देश के दुश्मन हैं। पाकिस्तानियों से आप बाद में लड़ें, बाकी चीज़ें आप बाद में करें, पहले इन लोगों को, यानी इस तरह के जो देशद्रोही हैं, इनको पकड़ के लेके आएँ भारत में। इनके ऊपर केस आप बाद में करें, तमाम जो इनकी संपत्तियां हैं दुनिया भर में उनको सीज करें, ताकि हमारा पैसा पहले वापस आए, उसके बाद आप इनके ऊपर चाहे जो कार्रवाई करनी चाहे वो करें, इनको जेल में बंद करें या फिर फांसी में लगाएं, लटकाएं, ये आपके हाथ में है। लेकिन भारत का पैसा, भारतीयों का पैसा वापस आना चाहिए। बने रहें हमारे साथ द रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।